हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट विद सुमन। आई एम सुमन यादव। आज हम पढ़ेंगे सीलिया एंड फ्लैजेला के बारे में। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम सेंट्रियोल्स कवर करेंगे, उसके बाद न्यूक्लियस, फिर जो बचे हुए कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि राइबोसोम्स, माइक्रोबॉडीज, साइटोस्केलेटन, ये सब कवर करके हम ये चैप्टर फिनिश कर देंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सीलिया एंड फ्लैजेला से। सीलिया एंड फ्लैजेला का काम क्या होता है? लोकोमोशन होता है। ठीक है, लोकोमोशन या मूवमेंट आप कह लो। अच्छा, लोकोमोशन और मूवमेंट में फ़र्क होती है। ठीक है, जनरली तो हम कह देते हैं मूवमेंट लोकोमोशन हम एक ही मान लेते हैं, लेकिन इनमें फ़र्क है। फ़र्क क्या है मैं समझा दूँ। एक है आपका लोकोमोशन, दूसरा है आपका मूवमेंट। लोकोमोशन मतलब होता है कि अपनी प्लेस छोड़ के, मतलब कि आपकी पूरी बॉडी मूव करे, अपनी प्लेस छोड़ के दूसरे प्लेस पे जाना, ये आपका हुआ लोकोमोशन। मूवमेंट मतलब खड़े खड़े आपने हाथ हिला दिया, मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट का ही एक पार्ट, सॉरी लोको हाँ मूवमेंट का ही एक पार्ट है लोकोमोशन। मूवमेंट में आपका यहाँ से वहाँ जाना भी आता है, आपकी बॉडी के पार्ट्स का मूव करना भी आता है। ठीक है, लोकोमोशन में मतलब आप अपने एक जगह से, एक जगह आपको छोड़ के दूसरी जगह तक आप जाओगे। लोकोमोशन कभी भी हाथ हिलाना या सिर्फ पैर हिलाने को नहीं कहेंगे, लोकोमोशन मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक जाना। मूवमेंट में आप जनरल टर्म्स में कह सकते हो कि बॉडी के किसी पार्ट को मूव करना या पूरी की पूरी बॉडी मूव करना। दोनों में फ़र्क समझ में आ गया। लोकोमोशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, अपनी जगह को छोड़ना। ठीक है, मूवमेंट में आप जगह छोड़ भी सकते हो, नहीं भी छोड़ सकते हो, आप खड़े खड़े भी हाथ पैर हिला सकते हो, उसको मूवमेंट कहेंगे। लेकिन लोकोमोशन में ज़रूरी है आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाओ, तभी उसे लोकोमोशन करेंगे। ओके, तो सीलिया और फ्लैजेला आपके लोकोमोशन और मूवमेंट में हेल्प करती है। दोनों का अलग अलग थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है मैं आपको बताती हूँ। सीलिया क्या होते हैं? छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स। ठीक है, सीलिया क्या होते हैं देखना, आपने पैरामीशियम का नाम सुना होगा। पैरामीशियम जो होता है, पैरामीशियम के ऊपर छोटे छोटे से सीलिया होते हैं। पैरामीशियम एक प्रोटिस्टा है आपका। पैरामीशियम क्या है? एक प्रोटिस्टा है। मैं इसका नाम लिख देती हूँ, पैरामीशियम। ठीक है, पैरामीशियम क्या है? एक प्रोटिस्टा है, और इसके ऊपर, इसमें दो न्यूक्लियस होते हैं, तो इसके ऊपर क्या होते हैं छोटे छोटे से, ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको ब्लू ब्लू से दिख रहे हैं ना, ये है आपके सीलिया। ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं सेल्स के ऊपर, वो होते हैं सीलिया। छोटे छोटे होते हैं, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, फ्लैजेला क्या होता है? फ्लैजेला मेनली आपका पाया जाता है किसी भी बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया में होता है। बैक्टीरिया में ऐसे फ्लैजेला है। ठीक है, तो फ्लैजेला एक या दो होते हैं, नंबर में कितने होते हैं? एक या दो। ये आपका जो दिख रहा है ना, ये आपका क्या है? फ्लैजेला। और यहाँ पे ये आपका क्या है? सीलिया। ठीक है, तो सीलिया जब भी प्रेजेंट होगा, बहुत सारे नंबर में होंगे, मतलब बहुत सारे होंगे, और फ्लैजेला जब भी आपका होगा वो एक होगा, हमेशा एक या फिर दो, ज़्यादा से ज़्यादा दो। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होते, मुझे नहीं लगता, मैंने कभी नहीं पढ़ा कि तीन होते हैं, एक या फिर दो होते हैं फ्लैजेला। और सीलिया हमेशा ज़्यादा होते हैं, बहुत सारे होते हैं, जिनकी गिनती आप नहीं कर सकते, बहुत सारे, जैसे हमारे सिर पे हेयर्स, उसी तरह से सीलिया होते हैं। ठीक है, और सीलिया छोटे होते हैं कंपेरेटिवली, फ्लैजेला बड़े होते हैं। दोनों में फ़र्क है थोड़ा थोड़ा, वही मैं फ़र्क आपको समझा रही हूँ। अच्छा, सीलिया का काम क्या है? सीलिया क्या करेगा? या तो सेल का लोकोमोशन कराएगा, सेल का मूवमेंट कराएगा, या फिर सेल के पास पास जो सराउंडिंग फ्लूइड है ना, उसको ही मूव करा देगा। मतलब कि सराउंडिंग फ्लूइड को अगर आप मूव करोगे तो आप बॉडी को आगे बढ़ा सकते हो। जैसे स्विमिंग में हम क्या करते हैं, स्विमिंग में अपने हाथ से हम पानी को मूव करते हैं ताकि हम आगे बढ़ सकें। तो हमारे हाथ क्या कर रहे हैं? हमारे हाथ हमारे पानी को हिला रहे हैं, पानी को मूव कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, ना कि सेल की मूवमेंट कर रहे हैं। मतलब हमारी मूवमेंट नहीं कर रहे, आसपास के फ्लूइड की मूवमेंट कर रहे हैं ताकि आगे बढ़ सके। तो सीलिया का दो काम होता है, या तो वो आसपास के फ्लूइड को मूव करता है, या फिर वो खुद ही सेल को लोकोमोट करता है। डिपेंड करता है वो किस टाइप की सेल है। ओके, तो सीलिया सेल मूवमेंट भी कराता है, या फिर सराउंडिंग फ्लूइड का मूवमेंट भी कराता है। ओके, फ्लैजेला हमेशा सेल का मूवमेंट कराएगा, कभी सराउंडिंग फ्लूइड का मूवमेंट नहीं करा सकता। खुद ही सोचो ना, फ्लैजेला एक ऐसे स्ट्रक्चर है, ये मतलब ये मुड़ता है फिर आगे की तरफ, इसको पुश करता है, फिर मुड़ता है फिर आगे की तरफ पुश करता है, तो सिर्फ सेल को मूव करा सकता है। फ्लैजेला क्या है? फ्लैजेला कुछ इस तरह से है, या तो ये ऐसे ऐसे मूव करके खुद ही मूव करे सेल, ठीक है, या फिर ऐसे ऐसे हिलाए तो साइड साइड के फ्लूइड मूव हो जाए ताकि सेल आगे की तरफ बढ़े। ठीक है,
तो सीलिया क्या करता है, फ्लूइड को भी मूव कर सकता है, सराउंडिंग फ्लूइड को, और खुद सेल का मूवमेंट भी कर सकता है, दो तरह से कर सकता है। फ्लैजिला हमेशा क्या होगा, सेल को ही आगे मूव करेगा, सेल को ही आगे मूव करेगा, सराउंडिंग फ्लूइड से उसका कुछ लेना देना नहीं है। ओके अच्छा, सीलिया किस में पाया जाता है? सीलिया आपके बहुत सारे बॉडी की सर्फेसेस पे पाया जाता है, जैसे आपके नोज़ में पाया जाता है, ब्रोंकाई में पाया जाता है, ठीक है। और आपके बोमेन कैप्सूल आप पढ़ोगे, एक एक्सक्रीटरी सिस्टम में एक बोमेन कैप्सूल होता है, आपके नेफ्रॉन में होता है, उसमें सीलिया पाया जाता है, और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, जैसे कि आपका पैरामीशियम, ठीक है। तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म में सीलिया पाया जाता है। और दूसरा है आपका फ्लैजिला। फ्लैजिला मेनली आपके बैक्टीरिया में मिलता है, यूग्लिना में मिलता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो ये मैंने आपको पॉइंट क्लियर कर दिया, दोनों में अंतर क्या है। अब दोनों का बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है ना, वो सेम होता है, तो हम यहाँ से हम सिमिलैरिटीज़ पढ़ेंगे इनकी, ठीक है। देखिए, सीलिया एंड फ्लैजिला बोथ आर कवर्ड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, एंड देयर कोर इज़ कॉल्ड एक्सोनिम, सेंट्रल ट्यूबल्स। अच्छा, मैं ये बताती हूँ आपको, एक एक करके समझाती हूँ। क्या होता है, सपोज करो ये कोई सेल है, ठीक है। सेल के ऊपर क्या होता है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो क्या होता है, जो अब आपका सीलिया या फ्लैजिला निकलता है सेल से, तो वो क्या करता है, ऐसे करके निकलता है। मान लो ये इसकी बेसल बॉडी है, ये ऐसे करके सीलिया या फ्लैजिला निकला, तो इसके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बढ़ी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही कवर्ड होता है ये। ऐसा नहीं है कि हेयर बाहर निकल गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को छोड़ के, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फाड़ के बाहर निकल गया, नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर्ड रहती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन हो जाता है जैसे जैसे ये सीलिया या फ्लैजिला बढ़ता है। तो हमेशा याद रखना, सीलिया या फ्लैजिला के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ओके, हेयर्स में हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होती, लेकिन सीलिया या फ्लैजिला जो स्ट्रक्चर होते हैं, उनके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, कवर्ड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ओके, अब इसका दो पार्ट में आपको यहाँ दिख रहा है, एक ये गोल सा होता है, गोल से पार्ट को कहते हैं बेसल बॉडी, और ये जो लंबा सा पार्ट जो सेल के बाहर निकल गया, बेसल बॉडी क्या है, सेल के अंदर रहता है, और जो लंबा सा पार्ट बाहर निकल गया उसको कहते हैं फिलामेंट। अब ये फिलामेंट जो है ना, ये फिलामेंट या बेसल बॉडी आप कह लो, बेसल बॉडी की हम बात कर लेते हैं, ये जो बने होते हैं इसके, मान लो ये ऐसे करके है सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, अगर मैं ऐसे करके दिखाऊं, इसको काट के ऐसे करके दिखाऊं, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखता है। ये ऐसे आपको सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर है, आपके हेयर क्या है, सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर है ना, तो सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर है, अगर मैं उसको ऐसे करके दिखाऊं, ऐसे कट करके दिखाऊं, तो ये वाला स्ट्रक्चर आपको यहां दिख रहा है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर मैंने यहां बना रखा है, इसको इसका TS सेक्शन लिया, TS मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन, ऐसे काट के ऐसे उठा के यहां पे रख दिया। ओके, तो ये स्ट्रक्चर अब हम पढ़ेंगे। क्या होता है, इसके सेंट्रल पार्ट को, जो सेंट्रल वाला पार्ट है, इसके बीच का सेंट्रल पार्ट है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोनिम कहते हैं। क्या कहते हैं, कोर मतलब होता है सेंट्रल पार्ट, इसके सेंट्रल पार्ट को हम कहते हैं एक्सोनिम। ओके, सेंट्रल पार्ट को हम क्या कहते हैं, एक्सोनिम। इसका जो सेंट्रल पार्ट है, बीच वाला जो पार्ट है, उसको क्या कहते हैं, एक्सोनिम कहते हैं। ओके, अब एक्सोनिम का अरेंजमेंट, एक्सोनिम के अंदर बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल से बना होता है, ये जो आपको गोल गोल दिख रहा है ना, सब गोल गोल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। माइक्रोट्यूबल्स एक तरह का स्ट्रक्चर है, प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर है, ठीक है। कई सारे स्ट्रक्चर्स आप पढ़ोगे, उसमें से एक माइक्रोट्यूबल भी एक स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब लाइक लंबे लंबे से स्ट्रक्चर्स होते हैं। ओके, तो कई सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स को मिला करके आपका सीलिया या फ्लैजिला बनता है। आपका सीलिया या फ्लैजिला जो है, उसके अंदर नंबर्स ऑफ बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है, बहुत सारे माइक्रोट्यूबल्स हैं, उनसे आपका मिलके बना होता है सीलिया एंड फ्लैजिला। अब वो माइक्रोट्यूब्यूल्स का ना कुछ स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता है, वो एक स्पेसिफिक मैनर में अरेंज होते हैं, ऐसे नहीं कि चह जहाँ ठूस के भर दिया, ऐसे नहीं होते, एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में होते हैं, उस अरेंजमेंट को हम इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। सीलिया एंड फ्लैजिला में माइक्रोट्यूब्यूल्स स्पेसिफिक अरेंजमेंट से बने होते हैं, वो स्पेसिफिक अरेंजमेंट आपका क्या है, 9+2 अरेंजमेंट। सीलिया में होता है 9+2 अरेंजमेंट, यूकैरियोटिक फ्लैजिला में होता है 9+2, और प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला में होता है 4+4। ओके, सीलिया एंड फ्लैजिला में, यूकैरियोटिक में जो बात करते हैं, मैंने कभी प्रोकैरियोट में सीलिया नहीं प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट्स में अक्सर, प्रोकैरियोट्स कौन आते हैं आपके, बैक्टीरिया में जब भी प्रेजेंट होगा आपका फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, कभी भी सीलिया नहीं मिलता,
शायद ही कोई ऐसा बैक्टीरिया हो जिसमें सीलिया मिलता हो, ठीक है। तो प्रोकैरियोट में जब भी अरेंजमेंट होगा 4+4 होगा, यूकैरियोट में सीलिया हो या फ्लैजिला 9+2 अरेंजमेंट, ओके। यूकैरियोट में 9+2 अरेंजमेंट और प्रोकैरियोट में 4+4 अरेंजमेंट। अब ये 9+2 क्या है, मतलब कि 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स और 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये अरेंजमेंट को दिखा रहा है। कैसे दिखा रहा है मैं आपको समझाती हूँ। देखना ये एक स्ट्रक्चर है, मैंने क्या बताया, यहाँ से ऐसे उठाया, कट किया, यहाँ पे लाके रख दिया, ठीक है। यहाँ पे लाके जो रख दिया, यहाँ से उठाया, कट किया, यहाँ पे रख दिया, ओके। टी एस सेक्शन आपको ये दिख रहा है, इसका इसका टी एस सेक्शन आपको दिख रहा है, सीलिया कह लो फ्लैजिला कह लो, लेकिन हम यू कैरियोट्स की बात कर रहे हैं, प्रो कैरियोट्स के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, ओके। तो ये यू कैरियोट्स का है, क्लियर। तो इसमें क्या होता है, मैंने आपसे कहा 9+2 अरेंजमेंट, 9+2 अरेंजमेंट मैंने क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे नंबरिंग देखो, 1, 2, इसको डबलेट है, ये डबलेट है, एक ही इसको गिनते हैं, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 प्रेजेंट होते हैं साइड साइड में, इसको कहते हैं पेरीफेरल। जो भी चीज़ आपके किनारे किनारे प्रेजेंट हो ना, उसको कहेंगे पेरीफेरल। तो ये पेरीफेरल है, और है क्या, माइक्रोट्यूब्यूल्स, और कैसे है, डबलेट है, डबल डबल प्रेजेंट है, तो इसको क्या कहेंगे, पेरीफेरल मतलब साइड साइड का, माइक्रोट्यूब्यूल्स क्योंकि ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, और कैसे हैं, डबलेट, पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स डबलेट, ओके। तो ये क्या है, पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स डबलेट है, और कितने हैं, 9, 9 पेरीफेरल हैं, बीच में 2 होते हैं, 2 बीच में होते हैं, और ये डबलेट नहीं है, ये डबलेट नहीं है, यहाँ पे देखो डबल डबल है ना, लेकिन ये सिंगल सिंगल है। तो ये 9 डबलेट्स हैं, 9 फिर प्लस 2, ओके। सेंटर में 2 होते हैं, सेंटर में 2 होते हैं, इसको कहते हैं सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, क्या कहते हैं, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। साइड साइड में 9, सेंटर में 2, इसीलिए लिख दिया यहाँ पे 9+2 अरेंजमेंट, 9+2 अरेंजमेंट, 9+2 अरेंजमेंट, क्लियर, 9+2 अरेंजमेंट। तो देखो होता क्या है, अब ये स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, ये कैसे स्ट्रक्चर्स हैं। मैंने क्या बताया आपको, ये सारे के सारे जो गोल गोल आपको दिख रहे हैं, क्या है, वो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। साइड साइड में डबलेट्स प्रेजेंट हैं, बीच में आपका सिंगल 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 प्रेजेंट है 2। अब जो सिंगल वाला होता है ना, सिंगल वाले के लिए एनसीईआरटी ने एक लाइन लिख रखी है, क्या लाइन है, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स कनेक्टेड बाई ए ब्रिज एंड इनक्लोज्ड इन ए सेंट्रल सीथ, दे आर कनेक्टेड बाई ए ब्रिज, ये जो आपको कनेक्शन दिख रहा है इसको ब्रिज कहते हैं, ओके। और ये दोनों क्या होते हैं ना, एक सीथ में इनक्लोज्ड होते हैं, ऐसे एक सीथ होती है, ऐसे एक सीथ होती है, इस सीथ में इनक्लोज्ड होते हैं, ठीक है, ऐसे एक सीथ होती है, सीथ मतलब कवर होता है, इस कवर में इनक्लोज्ड होते हैं, वो बंधे हुए बंद होते हैं, ओके। और क्या होता है, ये जो साइड साइड में जो आपके पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स हैं ना, ये भी आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। ये जो आपको ब्लू लाइंस दिख रही हैं, ये कनेक्ट करने वाली लाइंस हैं, और इन ब्लू लाइंस को, यानी कि जो कनेक्ट कर रहा है, उसको कहते हैं इंटर डबलेट ब्रिज या फिर लिंकर। इंटर क्या कहते हैं, इंटर मतलब दो चीज़ों के बीच, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है इंटर और इंट्रा में फ़र्क होता है। इंट्रा मतलब किसी एक चीज़ के अंदर की बात कर रहे हैं, अगर हम एक माइक्रोट्यूब्यूल को लेंगे तो कहेंगे इंट्रा माइक्रोट्यूब्यूल, मतलब कि इसके अंदर की बात कर रहे हैं। इंटर कह रहे हैं मतलब कि दो के बीच की बात हो रही है, इंटर मतलब दो चीज़ों के बीच की बात, इंट्रा मतलब अपने ही अंदर की बात, ओके। तो इंटर कहने का मतलब दो चीज़ों के बीच, दो चीज़ों के बीच, इंटर डबलेट क्योंकि ये डबलेट है इसलिए डबलेट कहा, ब्रिज क्योंकि ये ब्रिज का काम कर रहा है, ब्रिज का काम क्या होता है, जोड़ना। तो इंटर डबलेट ब्रिज, दो डबलेट को जोड़ने वाला जो ब्रिज है वो है आपका इंटर डबलेट ब्रिज, और इसी को लिंकेज भी कहते हैं, ओके। तो पेरीफेरल माइक्रोट्यूबल्स आपके 9 हैं और डबलेट हैं, और कनेक्टेड किससे हैं, इंटर डबलेट ब्रिज से या फिर लिंकर से। बीच में आपके 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो कि सिंगल सिंगल प्रेजेंट हैं और कनेक्टेड हैं किसी ब्रिज से, और इनक्लोज्ड हैं, बंद हैं एक सीथ लाइक स्ट्रक्चर में जिसे हम सेंट्रल सीथ कहते हैं, ओके। इतना क्लियर। इसके बाद क्या है, हर एक डबलेट से एक एक रेडियल स्पोक निकला होता है, ठीक है। रेडियल स्पोक्स क्या होते हैं, एक मतलब ये आपको सर्कल सा दिख रहा है, तो ये इसका रेडियस होगा ना, ये चीज़ इसकी रेडियस होगी। तो रेडियस के जैसे कि किसी व्हील में स्पोक्स निकले होते हैं ना, जो उसकी तिल्लियाँ निकली होती हैं वो सेंटर की तरफ होती हैं, वैसे ही रेडियल स्पोक्स आपके सेंटर की तरफ होते हैं। कहाँ से निकलते हैं, पेरीफेरल ट्यूब्यूल से,
और टच करते हैं आपकी सेंट्रल सीथ को। ये जो सेंट्रल सीथ आपको दिख रही है ना, ये सेंट्रल सीथ, इस सेंट्रल सीथ को टच करते हैं ताकि कनेक्शन इस्टेब्लिश रहे सेंटर वाले पार्ट में और पेरिफेरल पार्ट में। ऐसे ऐसे हर से एक एक निकले होते हैं रेडियल स्पोक्स और सेंट्रल सीथ से अटैच्ड होते हैं, ठीक है। सबसे ऐसे निकले होंगे, सभी से एक एक, एक निकले होंगे, हर एक डबलेट से एक निकलता है। तो टोटल कितने रेडियल स्पोक्स हुए? 9 डबलेट्स हैं तो 9 रेडियल स्पोक्स। ओके, तो यहाँ पे एनसीईआरटी ने लाइन लिख रखी है, क्या था? सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स कनेक्टेड बाई ए ब्रिज इनक्लोज इन अ सेंट्रल सीथ। सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स कनेक्टेड बाई अ ब्रिज इनक्लोज इन अ सेंट्रल सीथ। एंड उसके बाद क्या लिखा है? कनेक्टेड बाई वन ऑफ द ट्यूब्यूल्स ऑफ पेरिफेरल सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। सॉरी, ये अलग है। कनेक्टेड बाई वन ऑफ द ट्यूब्यूल्स ऑफ पेरिफेरल डबलेट बाई रेडियल स्पोक। सेंट्रल सीथ कनेक्टेड बाई वन ऑफ द ट्यूब्यूल्स, दोनों में से किसी एक ट्यूब्यूल से, ऑफ पेरिफेरल डबलेट बाई रेडियल स्पोक। बाई रेडियल स्पोक, क्लियर। सेंट्रल सीथ पेरिफेरल ट्यूब्यूल के डबलेट में से किसी एक से अटैच्ड होता है रेडियल स्पोक्स के थ्रू। ओके, इतना पार्ट आपका दे रखा है सिलिया एंड फ्लैजेला में। ये चीज़ें आप याद रखना, इसके बाद मैं लेक्चर लूँगी आपका सेंट्रियोल से रिलेटेड, सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम, इसमें ये आपका फिर से काम आएगा। वो भी माइक्रोट्यूब्यूल से बना स्ट्रक्चर होता है, उसका भी कुछ स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता है। ओके, उसका अरेंजमेंट होता है 9+0। यहाँ पे क्या अरेंजमेंट है? 9+2, 9+2 आप याद रखोगे, और प्रोकैरियोटिक में 4+4, किसमें? फ्लैजेला में। अच्छा, एक और चीज़, प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला जो होती है ना, वो आपके फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना होता है। यूकैरियोटिक फ्लैजेला आपके ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होता है। ये मैंने आपको जब डिफरेंस पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का मैंने डिफरेंस पढ़ाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, आप जाके देख सकते हो। तो इतनी सारी चीज़ें हैं हमारे सिलिया एंड फ्लैजेला वाले टॉपिक में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेंट्रियोल्स के बारे में। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स वाली चीज़ें अच्छे से याद रखना, वहाँ भी काम आएंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।